जीवन में बिना लक्ष्य के आप सफल प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी के साथ आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। मैं प्रशांत गुरुवर्ती आपका स्वागत करता हूं मेरे मोटिवेशन सेशन में। पिछले जो सेशन हुए थे उनकी सफलता के बाद हम फिर से आए हैं आपके सामने एक नया सेशन लेकर, और आज भी कुछ बिंदु लाए हूं आपके सामने जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, जो भी पहलू हैं उनके बारे में देखते हुए। चलो आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु, पहला है सलाह का सही सुने। सलाहकार अगर आपने सही सुना कभी अपने लाइफ के अंदर, तो आप ये देखोगे कि हमने अगर सलाह सही ली है तो हमारा जो निर्धारण है किसी कार्य करने का वो सही रहेगा। अब सलाह ही गलत ले रखे बैठे हो तो आपका निर्धारित जो गोल है वो बिल्कुल खराब हो गया आपका। आप आगे इसमें जो काम करोगे पक्का उसमें जो सफलता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन वो अपने काम की नहीं है। इसका अर्थ ये देखें, आप रामायण महाभारत का हमने उदाहरण पहले भी लिया था। अगर रामायण के अंदर से मंथरा को निकाल दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि अब मंथरा चली गई तो भाई ना उसने कहीं सलाह दी, खराब सलाह दी, ताकि अपन ने उसने वचन मांगे थे भाई, वो पूरी चीज अपन ने पढ़ चुके रामायण के अंदर। तो अगर मंथरा के करेक्टर्स को निकाल दिया जाए तो रामायण गठित हो ही नहीं पा रही, पूरी कथित हो नहीं पा रही है। सिर्फ मंथरा की उस सलाह के चक्कर में राम जी वनवास गए, बहुत सारे पहलू उसके अंदर। इसी को अगर महाभारत से जोड़ा जाए तो शकुनी, शकुनी ने जो सलाह दी थी, चौपड़ खेली थी, जुआ खेला था, उदिस जो सलाह दी थी, उस सलाह के चक्कर पूरा महाभारत ही हो गया उस कारण की वजह से। वरना वो उस कारण को हटा दिया जाए तो क्या हुआ, महाभारत की रचना होगी नहीं, इतनी बड़ी जंग नहीं होती, इतने लोग मरते नहीं। सिर्फ किसकी वजह से हुआ वो सब, कि भाई मेरे एक सलाह गलत मिल गई थी। इसलिए हम सलाहकार बोले, सलाहकार का स्पेशल अगर कोई नौकरी पेशा आदमी थोड़ना है जो अपने सलाहकार रखेंगे। हमारे सलाह का मतलब आपके दोस्त कैसे हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपका पड़ोस कैसा है। तो एक और सुनो, जीवन के अंदर जितने भी लोग हैं उनका मैं तो अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपको टारगेट ये बनाना है कि किसको सलाह में रखेंगे आप, ठीक है, किसको। जैसे मतलब कोई दोस्त अच्छा है, उसकी सोच अच्छी है, तो आप उसको उससे सलाह लें, ठीक है, उससे सलाह लें, ठीक है। तो उसको आप ये ध्यान रखें कि हमको ये सलाह ऐसे नहीं लेनी कि भाई किसी से ले ली, तो आप ये देखें उसकी सोच कैसी उस बंदे की, चाहे वो कोई भी हो, रिश्तेदार हो, चाचा हो, मामा हो, तो आप उनमें से ही मान लो एक उनको संक्षिप्त करके रखते हैं, अलग करके रखते हैं, भाई इन लोगों से कम संपर्क रखना है, और इसकी सोच अच्छी है जो अच्छी सलाह देता है उससे संपर्क ज्यादा रखना है, ताकि हमको सलाह अच्छी हो सके, ठीक है। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है आपके भविष्य का निर्धारित संगति करती है, और ये बात बिल्कुल सही है। इसी से रिलेटेड है वो कि अगर आपके आसपास के 5 दोस्तों का, 5 हजारों का अध्ययन कर ले कोई, तो आपको निर्धारित कर देगा कि आपको भविष्य कैसा होगा। क्यों, आप उसी पथ पे चलेंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे जो संगति आपको प्रदान कर रही है। मान लो आप जो शराब नशा पत्ते की संगति में हैं, तो अगर तो वो आपको निर्धारित कर देगी दिशा के, भाई हाँ भाई ये बंदा आगे जाके शराब पिएगा या बिगड़ जाएगा, जो भी इस संगति तो बताएगी। अगर वो 4-5 का ग्रुप आपको पढ़ने वाला है, नौकरी लग गया है, 4 लोग लग गए हैं, आप 5 व्यक्ति हैं, तो आपको हमेशा प्रोत्साहन मिलेगा उनसे कि हमें नौकरी भी प्राप्त करनी चाहिए और प्रयास करते रहें निरंतर। और उनसे सलाह जब भी मानोगे आपको पॉजिटिव सलाह देंगे, नेगेटिव सलाह नहीं देंगे। तो संगति आपको निर्धारित करती है कि आपको भविष्य कैसा होगा, ठीक है। अब देखो आप अगली टॉपिक देखें, जीवन में एकांत में जाना है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा अलग चीज है। देखें दो शब्द दो बना दिए मैंने इसके अर्थ, देखें आप एकांत मतलब वो एकांत नहीं कि बन जाके भाई सब छोड़ छाड़ के नदी वदी वहां पे हिमालय में चले जाए, ऐसे वो वाला एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ होता है इन उस प्रकार के व्यक्ति के साथ मिलना है जिसका एक ही अंत हो, मतलब उनका एक अंत हो, एक ही गोल हो, जो गोल आपका है। अच्छा, अच्छे लोगों की जो अंत होता है, उनका जो गोल होता है वो अच्छा होता है, उसी को फॉलो करके आप भी चलते जाओगे। तो एकांत का अर्थ वो नहीं है जो अकेले में चले जाओ, एकांत मतलब एक अंत वाले जितने लोग हैं, जो गोल आपने बनाया है अच्छा वो और लोगों का है, उनका अपन उससे सलाह लेंगे, उनसे ही अपन बातचीत करेंगे, भाई आपने कैसे प्राप्त किया है, कैसे किया है, तो उनकी जीवनी पढ़ेंगे अच्छे लोगों की, जैसे बिल गेट है क्या नहीं, जैसे अपने अंबानी जी हैं, ये सब चीज इनकी सोच देखिए आप, ये दिन भर का दिनचर्या इनकी कैसी होती है, आप अध्ययन कीजिए बुकों द्वारा, नेट द्वारा, यूट्यूब पे आजकल आपको सब चीज अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद देखें आप मानसिकता आपकी वास्तविकता पर बनाती है। देखें आप अगर आपकी सोच जिस प्रकार की है तो आपकी रियलिटी आपको शो करेगी, पर्सनैलिटी आपकी अपने आप बोलेगी कि भाई अपनी मानसिकता कैसी है। हम छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं, बोले यार ये आदमी चिड़चिड़ापन का है, ठीक है। आप हर अच्छी बड़ी बड़ी समस्या को नॉर्मल वे में लेते हैं, हंसते खाते उसको सॉल्व कर देते हैं, तो उससे क्या होता है आपकी वो चीज बताती है कि आपकी मानसिकता एक अच्छी है,
ये परिपक्व व्यक्ति हैं आप, आपका व्यक्तित्व एक अच्छी क्वालिटी का है। तो इससे आपका क्या पता चलता है, मानसिकता ही आपकी वास्तविकता का बोध कराती है, बनाती है। ठीक है साहब, इसके बाद देखें आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, इन्वेस्टमेंट अपने शरीर पर नहीं अपनी बुद्धि पर करिए। अभी तक जो हम करते हैं कि वीडियो कॉलर जा रहे हैं, शरीर को चमकवा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, है ना, अच्छे जूते पहन रहे हैं, अच्छे मोजे पहन रहे हैं, अच्छे ये कपड़े ला रहे हैं, नए नए खरीद ला रहे हैं, पैसे लगा के खर्च कर रहे हैं। तो इसमें देखें आप, ये इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन बुद्धि पे भी करो। बुद्धि पे इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, अच्छी किताब पढ़ के, अच्छे वीडियो देख के, मोटिवेशन अटेंड करके, सेशन होते रहते हैं जगह जगह पर, स्पेशल नहीं किसी भी कि भाई अपन को इसका ही पर सुनना है, कोई दिक्कत नहीं। जहां पे भी अच्छी बात सुनने को मिले, किसी प्रकार से मिले, आपको सुननी चाहिए, ताकि आपका बुद्धि का विकास हो। मैन बुद्धि का विकास है, शरीर का विकास तो ऑटोमेटिक डेवलप कर देगी बुद्धि। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपनी बुद्धि का विकास निरंतर करते रहें, वो चाहे किसी भी तरीके से हो, रास्ते से हो, उसको आप अपनाएं, अच्छी बुक पढ़ें। अच्छी सलाह वाली बात थी, वो कंप्लीट कर दिया आपके सामने। और एक और चीज जोड़ना चाहूंगा आपको, कि दो प्रकार की बीमारी होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। दो प्रकार की बीमारी कैसे, एक तो आंतरिक बीमारी, एक होती है बाहरी बीमारी। आंतरिक बीमारी का तो इलाज है कि एंटीसेप्टिक दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा डॉक्टर। लेकिन बाहरी बीमारी कौन सी, नकारात्मक लोगों की जो भीड़ है अपने आसपास, उसके लिए क्या करें, बाहरी के लिए। तो उसके लिए इलाज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा भाई मेरे किसके जो काम का है ना, उससे बात करें आप, जिससे नहीं उनको भी तो रखना पड़ेगा अपने संपर्क में, उनको थोड़ा भगा देंगे आप। ठीक है, लेकिन उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर ले, ताकि आप पर उस आपकी पर्सनैलिटी पर उसका प्रभाव कम पड़े। और बीमारी का ये भी होता है कि जैसे पोलियो बीमारी, तो पोलियो बीमारी होने के बाद दवा नहीं मिलती, उससे पहले दी जाती है। तो वही वाली बात है, आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें, उस टाइप की दवाई लब कर लें अपने अंदर, ऐसी बात अपने दवाई करती हो गया कि आप किसी भी प्रभाव से प्रभावित ना हो जो आप नहीं चाहते। कुल मिला के नकारात्मक प्रभाव आपके अंदर प्रभाव नहीं दर्शाना चाहिए। और इसी के लिए मैं ये कहता रहता हूँ कि आप अपने आप को एक सफल सुदर्श और एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करते रहें, जागते रहें। जय हिंद, जय भारत।